जय भीम साथियों, आज कोविड महामारी की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है तो उसका एक बड़ा कारण है कि लॉकडाउन लगने के एक साल बाद भी हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं पुरजोर नहीं हैं। ऑक्सीजन की कमी सबसे ज़्यादा खल रही है आज, क्योंकि ऑक्सीजन और दवाइयों से ही किसी गंभीर हालत में रहे मरीज को ठीक किया जा सकता है। एक जांच में पाया गया है कि मोदी सरकार की लापरवाही के कारण जो सैकड़ों ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने थे देश में, वो अभी तक शुरू नहीं हुए। सबसे पहले तो भारत सरकार को 8 महीने लगे भारत के 162 जिला अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट बनाने के टेंडर निकालने के लिए। उसके बाद अब 6 महीने हो गए हैं, पर ऑक्सीजन बनाने के ज़्यादातर प्लांट्स अभी तक शुरू भी नहीं हुए हैं। और अगर ऐसा हो जाता, ये शुरू हो जाते प्लांट्स, तो सैकड़ों लोगों की जान बच सकती थी, वो भी छोटे छोटे देश के पिछड़े जिलों में। पर अफसोस, ये भी मोदी सरकार का जुमला बनकर रह गया। स्क्रोल नामक वेबसाइट की जांच से ये पता चल पाया है। गुजरात हो या उत्तर प्रदेश या दिल्ली, देश के विभिन्न राज्यों में खबर आई है कि अस्पताल मरीजों को एडमिट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन की गंभीर कमी है। कोविड से लड़ने के लिए सबसे ज़रूरी ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही आज पेशेंट्स को, क्योंकि मोदी सरकार की गंभीर लापरवाही बरती है मोदी सरकार ने ऐसे काल में। आप सोचिए, अगर 162 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लग जाते तो अस्पतालों को प्राइवेट कंपनियों से ऑक्सीजन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो मेडिकल ऑक्सीजन वहीं पे पाइपलाइन से अपने अस्पतालों के साथ ही पैदा कर लेते। आज सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए। NGO, अन्य प्राइवेट संस्थाएं ऑक्सीजन पहुंचा रही हैं लोगों को। जन स्वास्थ्य सेवा के एक्सपर्ट्स का इसमें मानना है कि ये प्लांट शायद मांग को पूरा तो नहीं कर पाते, पर सैकड़ों जिंदगियां ज़रूर बच पाती। और ऐसा भी नहीं कि प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लगना था, केवल 200 करोड़ लगना था, जो PM केयर से फंड से आवंटित ऑलरेडी हो चुका था, जिस फंड में कई हजारों करोड़ रुपए आए थे PM केयर्स फंड में। पर इतने मुश्किल समय में, जहां हजारों लोगों की जिंदगियां दांव पर है, सरकार ने इसे अमल ही नहीं किया। ये प्लांट तो शुरू हुए नहीं है। अब मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते कहा है कि हम PM केयर्स फंड से 100 ऑक्सीजन प्लांट और शुरू करेंगे। मेडिकल ऑक्सीजन का आयात भी होगा बाहर के देशों से। ऐसा करते हैं कि हम आशा करते हैं कि ऐसा जल्द हो और ये जुमला ना हो। इस जांच के सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में 33 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, मई के अंत तक 80 और लग जाएंगे। सोचिए, 162 में से केवल 33 लगे हैं। साल भर में इतना ही कर पाई केवल केंद्र सरकार, क्योंकि लगता है करना ही नहीं चाहती थी। अब ऐसा लग रहा है कि बीमारी की आग लगकर बुरी तरह फैल चुकी है और अब उसे बुझाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाना अब शुरू करेंगे। एक साल से ज़्यादा हो रहा है। जानकारों का मानना है कि मई अंत तक तो फिर से लॉकडाउन अगर लगा भी दें तो केसेस कम हो जाएंगे, महामारी कंट्रोल में आएगी, तब ऑक्सीजन प्लांट तैयार होंगे। स्क्रोल ने पता लगाया कि इन ऑक्सीजन प्लांट्स को बनाने का ठेका कुछ प्राइवेट कंपनियों को दिया गया था। आज राज्य के अस्पताल जो है, इन कंपनियों को दोष दे रहे हैं कि इन्होंने काम पूरा नहीं किया। वही कंपनियां वापस अस्पतालों को दोष दे रही हैं कि उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिला अस्पतालों से। तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन प्लांट्स को बनवाने के लिए किसी ने भी ढंग से इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण नहीं किया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा, जनवरी से मार्च खासकर केसेस काफ़ी कम हो गए थे। ऐसा लग रहा है, मान लिया गया था कोरोना ख़त्म, महामारी ख़त्म, तो ऑक्सीजन प्लांट की ज़रूरत ही नहीं। ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है, ये एक कमी निकल के आई है बहुत बड़ी। तो साथियों, आप अपना ख्याल रखें कोरोना से बचने के लिए। अब सरकार तो कुछ करेगी नहीं, हमें अपना ख्याल रखना है, मास्क पहनना है, दूरी बनाए रखनी है, साबुन से हाथ धोते रहना है और आसपास लोगों की मदद ज़रूर करते रहें जिनको ज़रूरत हो। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल द न्यूज़ बीक को सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम।